नमस्कार सत्य सकाल आउ एक अध्याय को पुणि थे स्वागत मु कमलाकांत मो सहित अच्छा नमस्कार सत्य सकाल को स्वागत करुच्छे माथे दर्शक बंधु आम प्रत्येक दिन आसी था कि खबर कागज के गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आउ जो खबर अपडेट आम आप निकट में दे था रिपोर्टर मैंने आम सहित जोड़ होता ठीक से भाई आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही कि खबर धरित्री कथ कहतु संवाद कथ कहतु प्रमेय कथ कहतु यह सब खबर कागज अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही आम से सब बाबद आलोचना करवा कि पूर्व आम नजर पकड़ कौन कौन गुरुत्वपूर्ण खबर को आम नहींचु आज सत्य सकाल तो डेंगू आक्रांत तालिका ओडिशा पंचम रही अर्थात ये जो तालिका 2014 कथा पुणी थे मन पकाई दूसरी समस्त को चलित बर्ष राज्य 2014 स्थिति उपजी और खोर्धारु सर्वाधिक आक्रांत चिन्हट होते ए प्रसंगे आलोचना करवा आउ एक प्रसंग रही धान संग्रह व्यवस्था को नहीं द्वंद्वे चाषी चाषी टीए सब हैरान हरकत होड़शार धान किणा बिका कथा कह जाऊ टोकन अव्यवस्था कथा कह जाऊ एवं वर्तमान धान संग्रह व्यवस्था कथा कह जाऊ सब भितर चाषी टे बेसी एवं चाषी प्रति प्रशासन के ध्यान देउछे से बाबद आलोचना करवर्ती खबर पर नजर पकाइबा गाँ पुरुष शून्य पंचस्तरी बोमा जबत कृष्णप्रसाद बोमा और गुड़माड़ घटना ए प्रसंगे आम आलोचना करूँ तावर्ती खबर आम रखीछू द्वंद दूर कर पारुनी तदंत ममिता मेहर हत्याकांड घटना को अनेक दिन बीतीगला जहाँ चर्चित खबर जहाँ कुने प्रतिवाद आंदोलन तेजी किंतु एबे सुधा तदंत सठिक दिगरे जाऊना तदंतरे जो द्वंद्व रही द्वंद्व पर पुनच्छेद पकाइ पारु नाहंती कौन प्रशासनिक अधिकारी परवर्ती खबर रही पद्म पाइले 11 ओडिया 7 पद्म विभूषण 16 पद्म भूषण और 122 जन को पद्मश्री ये हूँ कोटाकोटी आम ओडापी गर्व आ गौरवर कथा से विषय में आम आलोचना करूँ एवं ता परवर्ती खबर रही जगन एवं नवीन का आलोचना द्वारा समाधान बाट बाहर बोली धर्मेन्द्र आशा रही एक केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान परवर्ती खबर आम रखीछ एभली अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर पर आम प्रसंग आलोचना करवा कि कमलाकांत प्रथम खबर पर आम नजर पकाइबा कहले तेज ब्रह्मगिरी खबर को आम प्रथम जा कालुचरण नायक आम प्रतिनिधि रही कालुचरण साहू क्षमा करेंगे कृष्णप्रसाद बोमामाड़ घटना को लेकिन प्राय सब खबर कागज प्रमुखतार सह नहीं वर्तमान बोमामाड़ पर गाँ पुरुष शून्य हो 75 बोमा जबत हो पुरी जिला कृष्णप्रसाद ब्लॉक ब्रह्मगिरी थाना जो देखा सातपड़ा फांडी अंतर्गत नाथपुर गाँ निकट गाँव विस्थापित हो आसवा अनुसूचित जाति बस्ती में बोमामाड़ गुड़ी घटना को लेकिन पूरा राज्य में सृष्टि होता है जितेबाला 75 अफुटा बा बोमा जबत करण प्रति आम प्रतिनिधि जोड़े सारी आम सहित ब्रह्मगिरी प्रतिनिधि कालुचरण वर्तमान स्थिति कौन रही कारण पुलिस निहाती भाव में खोजुच्ची गाँ पुरुष शून्य होती वर्तमान भी सेठ उत्तेजना लगी रही निश्चित भाव में कमलाकांत देखिपे जो भाव में गत दुई दिन पूर्व अर्थात कहुपरब आसंता दुई दिन पूर्व यह भाव में घटना घटी जहाँकि पूरा संपूर्ण भाव में कृष्णप्रसाद अंचल पूरा आतंकित हो पड़ता एवं एक प्रकार भयर वातावरण सृष्टि होता कृष्णप्रसाद ब्लक जो सातपड़ा निकट में नाथपुर गाँ टी रही गाँ मुंडे गोचर जमीन एक निर्दिष्ट गोष्ठी व्यक्ति मैंने पखापाखि 40 पर व्यक्ति मैंने से जगह को पूरा मारी बस जहाँ को कि विरोध करते 35,000 व्यक्ति मैंने दाबी था तुरंत से जगह से स्थानांतरित करा गाँव को पठाई दि जाऊ बारंबार जिला प्रशासन पाखे अभियोग करते कि जिला प्रशासन शुणिलाने से आईन को हाथ को ने उभय गोष्ठी भितर गोष्ठी कंद बढ़ापर बोमामार सह पर गुड़चा करता और दुई दिन धरिकी जेहतु चापा उत्तेजना लगी रही पाखापाखि 4 प्लाटून पुलिस फोर्स ऊर्ध्व पुलिस फोर्स अधिकारी मैंने मुतयन रही कृष्णप्रसाद नाथपुर विभिन्न छक पैंतरा मारूँ पुलिस टीम कितु गत काली घटनास्थल को साइंटिफिक टीम हो डॉग स्क्वाड हो पहुँचे पूरा छानभिन करते पाखापाखि 70 ऊर्ध्व बोमा अपुटा बोमा जबत करपटे एनेक जिलापाल प्रतिक्रिया रखी कहते शांति फेरी आनी देवाई गोटे बैठक चलती दुई एवं एसपी कहते जो भाव में दुईट टीम पूरा घटना तदंत कर दुई दिन धरिकी पूरी एसपी से घटना पर नजर रखिंट बारंबार कृष्णप्रसाद गस्त करना के जो गिरफ्तारी संख्या पाखापाखि 5 को वृद्धि पाई अटक संख्या पाखापाखि 5 को वृद्धि पाई किंतु वर्तमान सुधा पुलिस पक्ष
प्रतिक्रिया मिले ना केतजन को अटक कर रखा जा सन्देहजनक भाव में कितु जो बारंबार गुड़चाला होता है पुलिस उपस्थित बारंबार बोमामार होता है पुलिस उपस्थित अग्निकाण्ड घटी पाखापाखि चालीस बकरा घर पोड़गला तापर मध्य गोटे बड़ चैलेंज पुलिस सृष्टि होती जो अपराधिक कार्य होतेजन को पुलिस गिरफ्त कर बर्तमान प्रश्नवा सृष्टि मध्य जेहतु चापा उत्तेजना गाँव मानक लगी रही से प्रति छक गाँ गाँव में पुलिस पैंतरा मारूँ और जो व्यक्ति को सन्देहजनक भाव में अनेक व्यक्ति को उठे निखापाखि पांच जन व्यक्ति गत काली तीन जन को अटक रखी बेले आज वृद्धि पाई पांच जन को अटक रखी सेपटे जेहतु पूरा अशांति हो पड़ी कृष्ण प्रसाद ब्लक नाथपुर अंचल ब्रह्मगिरी विधायक पुलिस प्रश्न उठू कारण उपस्थित एभली घटना घटू तथापि भी साहस किभली मिलू प्रश्न आसूस तो बड़ प्रश्न हूँ ये सब बोमा आसला क्योंठी कारण गोटे दिन तो यह सब हो तो सेठी एभली कारबार जो चली पुलिस पाखे कौन आगुरी खबर नथिला निश्चित भाव कमाकांत जिते शह शह बोमा मारा करा गला शह शह गुली चालना हला तबे ए गुली चालना बोमा मारा पूर्व पुलिस व गुईंदा विभाग खबर पाइलानि कि भाव में एत बोमा आसला के जगह को एत बोमा से मार हला गुली चालना करागला केमिति पुलिस जापारानी घटना घटला कार्यकलाप प्रश्नचिन्ह सृष्टि कालचरण बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना आगक अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही आलोचना करवा कि नजर पकड़ केन्द्र मंत्री अर्थात रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव बर्तमान ओडिशा गस्तर आसी झारसुगुड़ा गस्तर ये हूँ द्वितीय दिन गस्त रही है गस्त में कौन सब कार्यक्रम रही है अधिक आलोचना करवा कि प्रथम नजर पकड़ से चित्र पर जो देखिए माधुरी रेलमंत्री हेबापर बहुत थर ओडिशा आसी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव वर्तमान जहाँ सूचना रही है झारसुगुड़ा पुराणा जो रही डाकघर रही बुलवापी जबार जहाँ सूचना आसूला और केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चिट्ठी पर वर्तमान से जो पुराणा डाकघर रही परिदर्शन कर तबे आम पश्चिम ओडिशा ब्यूरो हेड सुरेंद्र बारिक आम सहित जोड़े सुरेंद्र कौन अधिक अपडेट जे केंद्रमंत्री का चिट्ठी पर केंद्रमंत्री आसी बुली देखुं पुराणा डाकघर कमलाकांत कहवा जे कथा रखी केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव जेहेतु गत 4 अगस्त रे केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जो 129 वर्ष पुराणा डाकघर को ऐतिह डाकघर घोषणा पई से गोटे अनुरोध करते अनुरोध रक्षा कर आज से झारसुगुड़ा आसी से बुली देखुं जो वरिष्ठ पोस्ट ऑफिस अधिकारी सहित आलोचना कर स्थानीय लोक सहित आलोचना करिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी मैंने उपस्थित अच्छे तो निश्चित भाव केन्द्रमंत्री जो दुईदिनिया झारसुगुड़ा गस्त अच्छी गत काली तो से रेलवे विभिन्न प्रसंग को नहीं वरिष्ठ अधिकारी सहित आलोचना करते आज डाकघर को बुले सांगठनिक कार्यक्रम अच्छी आज सन्ध्यार से फिर दिल्ली फेरी जी तो जेहेतु केन्द्रमंत्री जिते चिठी जे पुराणा डाकघर को 29 वर्ष पुराणा डाकघर को ऐतिह डाकघर घोषणा पई केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चिठी पर समग्र झारसुगुड़ावासी स्वागत करते केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चिठी पर ही आज पदक्षेप को निश्चित भाव झारसुगुड़ावासी स्वागत कर सुरेंद्र आउ सब कौन कार्यक्रम रही जेहेतु ये हूँ द्वितीय दिन और परवर्त कार्यक्रम समस्त कौन रही सांगठनिक कार्यक्रम अच्छी से बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत सुरेश पुजारी कनक बर्धन सिंहदेव बसंत पंडा बैजंत पंडा अश्विनी वैष्णव विश्वेश्वर टुडू समेत वरिष्ठ 12 जन पदाधिकारी झारसुगुड़ा गोटे चिंतन बैठक करेंगे तो से गणमाध्यम को दूरे रखा जाए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन सांगठनिक कार्य आगामी दिन में जेहेतु पंचायत निर्वाचन आसती रणनीति प्रस्तुत करुमान
ओके कोटना कोठी ए अनुमान बा जे आशा आशंका करा जाउतला वर्तमान आसे पहुंची छथि रेलमंत्री एवं ई होछि आज द्वितीय दिन गस्त एवं द्वितीय दिन गस्त रे अनेक किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग मध्ये रहिछि अनेक किछि समस्या रहिछि जा बाबत आलोचना करा जइबो बैठक रहिछि बैठक रे मध्ये गुरुत्वपूर्ण प्रसंग पर आलोचना करा जइबो एवं कोटना कोठी आमे समस्त आशा रखिबा जे सठिक समस्या रे समाधान हेबो एवं अनेक किछि निष्कर्ष बाहिरियो बोली समस्तक आशा रहिछि बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपनकर तमाम सूचना पाइ परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा कमलाकांत परवर्ती खबर कर रही है जब देखा माधुरी पुणि थे डेंगू डराउे और जदि देखा चलित बर्ष राज्य 2014 स्थिति आसी पहुँची एक खबरकगज प्रकाश कर संवाद जब देखा चलित बर्ष खोर्धार सर्वाधिक आक्रांत रही डेंगू आक्रांत तालिकार माधुरी पूरा देश में ओडिशा पंचम स्थान रही है जोटा कि पुणि थे चिंतार कथा गोटे पटे कोरोना महामारी सेपटे डेंगू निहाती भाव में घातक हो जदि 2014 स्थिति कथा देखा वर्तमान भी सही स्थिति आसी जहाँ कहुच्छे तेज कविता स्वयं आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित वर्तमान जोड़े कविता भुवनेश्वर बोधे सबुठ अधिक प्रभावित होता जदि खोर्धा जिला कथा कह भुवनेश्वर कथा खास कर देखा तो सेठे डेंगू रोगी संख्या बढ़िबार लगी किस दिन पूर्व एने अनेक रिपोर्ट प्रकाश पाइला आज ये जो तथ्य सामना आसूसी राज्य सरकार को चिंता बढ़ाऊँच केवल कोविड नुहे डेंगू भी गोटे बड़ विपद ओडापी निहत भाव में कमलाकांत गोटे कथा कहीपर सूचना देवाक चाहिए कि जुलाई मास जहाँ चलित बर्ष जुलाई मस रही से मासरे ही आरंभ होता डेंगू रोगी संख्या बा डेंगू रोगी चिन्हट होते प्रथम राजधानी चंद्रशेखरपुर अंचल परवर्त पर्यायर राजधानी विभिन्न अंचल डेंगू रोगी चिन्हट हेले प्रथम जहाँ पर्यायक्रमे देखा मिलला कि जहाँ जेहेतु प्रथम पर्यायर बीएमसी पक्षर कौन व्यवस्था कर हाथ गणति चिकित्सा चिकित्सा कर परीक्षा कर डेंगू रोगी एथपाई ना ना समस्या सम्मुखीन होते राजधानीवासी यहाँ जहाँ रिपोर्ट आसी सर्वे रिपोर्ट आसी से जो कह 2014 जो स्थिति रही चलित बर्ष से ही स्थिति देखा मिली सहित ओडिशा रही डेंगू तालिकार डेंगू आक्रांत तालिकार पंचम स्थान रही जी कह सर्वमोट 6203 जन डेंगू रोगी चिन्हट होता बेले केवल खोर्धार रही 452 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती जहाँकि भुवनेश्वर अधिक रोगी चिन्हट होती जार चिंतार विषय रही जी कह जदि बीएमसी पक्षर जिते बड़े बर्षा दिन आसला से जी व्यवस्था कराई पदक्षेप निता तेल स्थिति देखा मिली ना जब 2014 कथा कह 14 9 जन मृत्यु होता बेले चलित बर्ष से स्थिति रही भी कौन भी कह मृत्यु होना जहाँ गोटे भल कथा ता सहित आम जो कह बीएमसी प्रति पदक्षेप नवा दरकार बर्षा दिन पूर्व विशेषकर बस्ती अंचल कलोनी अंचल यार मानने मशा धूआ मशा तेल पकड़ दरकार पदक्षेप बीएमसी पक्षर निला जो कि आज 2014 परिस्थिति उपजी कहीपर अर्थात राजधानी में सठिक भाव में कौट ना कौट पदक्षेप नि निहत भाव में कहीं जदि पूर्व बर्षा दिन आरंभ जदि यह पदक्षेप निता बीएमसी पक्षर व्यवस्था करता स्थिति देखा मिल ना आउ गोटे कथा जितेबाला डेंगू रोगी चिन्हट होते सेत आउ गोटे कथा भी सामना को आसी कि जो किसी जगार जो टेस्ट कर लोक मैंने जाते से समस्या सम्मुखीन होते आउ बीएमसी पक्ष को से तथ्य आसुनला जेहेतु घर हस्पिटाल चिकित्सित होते से रिपोर्टा बीएमसी पाक को आसुनला परवर्ती पर्यायर बीएमसी डिक्लेयर करोटी हस्पिटाल जदि टेस्ट करुँचे रिपोर्ट सरकारी कागजपत्र को आसो जमीक कैपिटाल हस्पिटाल कथ कहतु आरएमसी कथा कहतु एम्स जदि यही जगह टेस्ट कर सरकारी तथ्य आसो बीएमसी पाख को आहेतु अधिक संख्यक रोगी चिन्हट होते कि बीएमसी पाखे तथ्य नथिला सेथिपाई मध्य अनेक रोगी चिन्हट होथिले रोगी रोग बढ़ुला किंतु आलो देखाउथिले बा टेस्टिंग रे मध्य भूल तथ्य आसुथिबा एक कथा मध्य खबर प्रकाशित होथिला तो कोटना कोठी सचेतनता हेबार आवश्यकता रहिछि एवं सचेत पदक्षेप नबार आवश्यकता रहिछि नचित 2014 परवर्ती स्थिति जोटा देखिबा कोनिछि वर्तमान बा 2021 रे जे स्थिति उपजुछि ये आगु को नजाव बोली समस्तक आशा रहिबो बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपनकर तमाम सूचना पाई
तो कमलाकांत आम आलोचना करूँ और परवर्त खबर पर नजर पक जगन और नवीन आलोचना द्वारा समाधान बाट बाहर बोली धर्मेन्द्र आशा रही अर्थात यह आशा प्रकट कर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री आज ओडिशा आसिबे एवं मुख्यमंत्री सहित भेटबार कार्यक्रम रही है। यह कार्यक्रम संध्या समय रही तो संध्या समय कोटा कोटी अनेक किसी आशा आशंका करा जाउछि जे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करा जिवो एवं जे सब समस्या रही है विशेषकर आंध्र आउ ओडिशा को नहीं नेरेडी जल विवाद कथा कह अनेक किसी प्रसंग कथा कह प्रसंग सामना को आसो बोली आशा कर किंतु बाट बाहर कि ना तापर समस्त नजर रही गजपति बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित जितेन्द्र पारिक आम रिपोर्टर जोड़े रही जितेन्द्र आज गुरुत्वपूर्ण आलोचना बोली आम कहीपर जेहेतु जगन और नवीन गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपर आलोचना करा समय रही संध्या समय विशेषकर क्यों क्यों प्रसंग आसपार आशंका देखा दे आशा करवा ये समस्या समाधान बाट बाहर बोली देखो माधुरी जदि सीमा बिवाद जदि कथा उठे ताले कोरापुट कोटिया कथा कह कि गजपतिर गंगावाड़ कथा कह कौटी ना कौटी उपा सीमा सीमांतवर्ती अंचल आंध्र अनुप्रवेश सह धसई पशा जोर जबरदस्त चेष्टा जारी रखी किंतु अन्य पक्ष धर्मेन्द्र प्रधान दुई दुई थर आंध्र मंत्री मुख्यमंत्री ट्विट कर चिठी लिखिदेट ओडिया भाषा कथा कह जल जमी जंगल कथा कह कौटी ना कौटे आंध्र तार बड़ भाई पणिया देखा चेष्टा कर आंध्र ओडिशा भितर धसई पशा चेष्टा करु आम विगत दिन विगत किसी दिन तले देखी गंगार पंचायत तो मानिक पटना आंध्र मंत्री धसे पशी ओडिशार अधिकारी ओडिशार अंगनवाड़ी केन्द्र सामना ही धमक देते गिरफ्तार भय देते परवर्त समय जोठे से अंगनवाड़ी कर्मी दीदी अच्छा से बर्तमान एवं गत दुई तीन दिन पूर्व ओडिशार अंगनवाड़ी कर्मी को धमक दौरे ओडिशार कौन खाद्य बंटन न करपरी विभिन्न समस्या रही जो समस्या समाधान आपस बुझाणा हो पारा मुख्यमंत्री नवीन बाबू आंध्र मुख्यमंत्री सह आपस आलोचना कले यार समाधान हो पार गोटे बड़ आशा रखिंट धर्मेन्द्र प्रधान से ने मत आशा बांधि किंतु अन्य पक्ष जो कह वंशधार जल विवाद जी कह वंशधार नदी नदी को नहीं दीर्घ बर्ष बर्ष चालीस वर्षर ऊर्ध समय धरी लग रही से समस्या से समस्यार समाधान तो बाट बाहर नहीं कहीं ओडिशार अधिकारी माने सटीक दस्तावेज आंध्र को कि सुप्रीमकोर्ट को दस्तावेज दे पार नथिले जो आंध्र सपक्ष में ग्रीन ट्रिब्युनल राय देता एपरी विभिन्न समस्या लग रही गजपति जिला गंगार पंचायत सातटी गाँ रही जो जो गाँ मानक आंध्र धसई पशाई चेष्टा करी आम गुड़ी गुड़ी कथा जब कह गुड़ीगुड़ आंध्र अंगनवाड़ी कर्मी बर्तमान तार दबदबा स्टार्ट कल्याणी कारण सेठिकार आंध्र सरपंच आ आंध्र पुलिस अधिकारी को धरी ओडिशा लोक भयभत करने आरंभ कला ये सब समस्या रो समाधान किपर हो पार से नहीं आलोचना करा आवश्यक हो पड़ी लोक मैंने आशा बांधि बस माधुरी बिल्कुल जो आशा लोके केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान किसी बाट बाहर बोली समाधान बाट बाहर बोली आशा प्रकट करते कि आम गत विगत दिन में जो सब देखी जे गणतंत्र में आपस बुझापणा मध्यम कौन से भी समाधान बाट बाहरी पारिना और आज ये बैठक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बहन करुच्ची कहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते कौटा कौटी समस्या समाधान हो कि ना कि बाट बाहर बोली आशा प्रकट कर बहुत बहुत धन्यवाद जितेन्द्र आपंकर तमाम सूचना परवर्ती खबर जोटा कि वर्तमान राज्य में सबुठ चर्चा रही ममिता मर्डर मामला एवं एथिरे जदि देखिए कैप्टेन को अड़ुआ बढ़िया लगी कि तथापि भी गत काली घटना समस्त को निहाती व्यथित करते सब अभियोग पर भी मंच में स्थान दिगला से हीपरी जदि तदंतर दिग देखा ताकू नहीं साधारण जनता भी प्रश्न करुँच प्रकृत एत दिन है मसे प्राय पूरी गला तथापि भी तदंतर दिग को नहीं कि असंतुष्ट रही कारण बहुत गुड़े प्रश्न रही जार उत्तर पुलिस देउनी एवं तदंतर विलंब होता जाणी ढिला दि जाऊ जेहेतु मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र सहित अभियुक्त गोविंद लिंक रही से जाणीशु दिगहरा करमती तमाम अभियोग भितर वर्तमान भी ममिता मेहर हत्याकांड पछरे क्यों कारण थिला कौन पे हत्या करा क्यों कथा से जाणी से कथा जदि बाहर को पदाक आसी था किए किए असुविधा पड़ता था से सब प्रश्न निहाती वर्तमान भी रहस्य घेर रही तेज तरुण रही प्रतिनिधि बलांगीर रही तरुण गत काली कथा देखिले जन आक्रोश देखिले विरोधी जो रही आंदोलन ताकू भी देखिले सेपटे
देखियो मंत्री मंच में बसी थे आ गोटे सबुठ बड़ प्रश्न जे तदंत ठीक भाव में होनी एक केवल विरोधी नुहति साधारण जनता एक कहते देखंतु कमलाकांत जेतेबेले गत मास 8 तारिख रे ममिता को अपहरण करी हत्या करा जायतिला गतकाली से 8 तारिख आज मासे पूरी तो ममिता मेहर हत्याकांड को नहीं जेतेबेले राज्य रे हुलस्तुल होउची विरोधी माने अभिजोग करुचंती प्रतिवाद करुचंती विक्षोभ करुचंती एवं जो मंत्रिमंडल रहिचंती मंत्री मानंको उपरे प्रति छक प्रति सहर से जोठा को जाठार अंडामाड़ करा जाउची किंतु मुख्यमंत्री जेतेबेले राष्ट्रमंत्री गृह राष्ट्रमंत्री को सुरक्षा देवाक गोटे प्रकार जिद अच्छा तो विरोधी जो विरोध कि मुख्यमंत्री को उपरे किसी भी प्रभाव पकाव नहीं जो कि पूरा घटना को चापी देवा उद्यम करतु जितेबाला तदंत भार को देखा तदंत भार को पुलिस प्रथम दिन ही यह घटना को चापी जोरदार उद्यम करुला एपरिक ये घटना को लिपा पोछा करने पुलिस लगी तदंत ना पुलिस दिगहरा तद बाटबणा तदंत को नहीं विरोधी अभोग कर लोके अभोग करूचना रोचे गत 5 तारिख में पीड़िता परिवार ममिता बापा माँ और बड़ बापा पुलिस बलांगीर पुलिस डकई डकैवा पर सन्धार ही परिवार पक्ष एक वीडियो वार्ता जारी करा जाई थिला जे आमे पुलिस तदंत रे संतुष्ट अछु विरोधी राजनीतिक दल गुड़िक राजनीति न करंतु एवं तांको झियो को आउ अपमान बा अपप्रचार करंतु नाही बोले गोटे प्रकार संदेश देथिले किंतु जेतेबेले घटना को मूल रो ही चापी देवा पुलिस उद्यम करिछि काहेकि ना गोविंद साहू रो अभियुक्त गोविंद साहू रो मोबाइल को वर्तमान पर्यंत पुलिस सीज करी नाही एवं ममिता मेहर को आउ गोटे फोन मध्य कहा पाखरे अछि पुलिस पाखरे भी से किछि खबर नाही एवं जो लैपटॉप पेन ड्राइव कथा मध्य कह जाउछि से मध्य पुलिस पंजार बहुत दूर रे अछि तो जोबले मुखा खोल पेन ड्राइव पुलिस एवं लैपटॉप कथा कह कहीं गोटे अभियुक्तर जितेबाला अभियुक्त को सुरक्षा देवाक जाब गुड़ाक जिनस को पुलिस सीज करूना कि से दिगर तदंत करूना आउ सब बड़ कथा है जो अभियुक्त को गोविंद साहू को सुरक्षा देवाक कैप्टेन दिव्यशंकर मुंडर में अठा बोला जाए कहीं नाँ घनिष्ठता अच्छी अभियुक्त दिव्यशंकर सहित गोविंद साहूंर एवं नियमित व्यवधान में सनसाइन पब्लिक स्कूल को जाते कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र जहाँ को लेकिन विरोधी हंगामा करुँचु मुख्यमंत्री उत्तरदायित्व हटात जितेबाला मटी तलू बाहर करदे सबकि सहज हो जाए प्रथम जितेबाला पुलिस बाराक्रु बाहर कष्ट किंतु से सहजर मिल जाऊँ तो असुविधा कौटी रोचे जो वर्तमान पर्यंत मसे भितर भी अभियुक्त भी पाखे रही भी कारण कौन पर खोजी पार नहीं पुलिस ना सबकि जानी जमीक साधारण जनता आक्रोश देखापी मिलूँ ये सबकि जाणी पुलिस सबकि लुचौच कौटिना कौटी मंत्री को घंट घोड़ापी चेषा कर निहाती भाव में देखो कमलाकांत प्रथम दिन ही ममिता मेहर हत्याकांड घटना रे कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रंकर संप्रुक्ति अच्छे बोली विरोधी पीड़िता परिवार सीधा सीधा अभियोग आनी जोपाई कि पुलिस प्रथम दिन ही चापर थी कहीं जितेबाला गृह राष्ट्रमंत्री अधीन पुलिस विभाग काम करुच्चे तो निहाती भाव में चापर से ही पूरा घटना को चपाइवापी लुचाइवापी जोरदार उद्यम करते पुलिस बाराग्रु अभियुक्त गोविंद साहू फेरार मारा से कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रों पर प्रबल चाप है जे खसाई दे पारती कहीं विभाग अधीन भी शक्ति विभाग अच्छी तो निहाती भाव में पुलिस जितेबाला प्रथम दिन ही चापर थी ममिता मेहर हत्याकांड घटना को लेकिन किंतु धीरे धीरे जितेबाला प्रमाण गोटे परे गोटे प्रमाण तथ्य को पुलिस नष्ट करिछि पूर्वधन पाथ बलांगीर तरुण जोड़े आसिया परवर्ती खबर उपरकु धान संग्रह व्यवस्था को नहीं द्वंद्वर एवं चाषी अच्छा ए खबर आसुच्छे कटकु डिसेंबर शेष सप्ताह कटक सदर ब्लक अंतर्गत 10टी सेवा समवाय समिति धान मंडी खोलिबापाई राज्य खाद्य जोगाण और खाउटी बेपार विभाग लक्ष्य धार्य करेक्षी पंजीकृत चाषी मान पाखक संप्रक्त विभाग मेसेज पठाई सारे विगत वर्ष धान किणा बेले घटी जाइथिबा अव्यवस्थार पुनरावृत्तिर आशंका कर चाषी मैंने द्वंद्वर अच्छा बाबद अधिक आलोचना आम सहित जोड़ रही कटक रिपोर्टर विश्वजित विश्वजित चाषीटे सबुबले हैरान हरकत होड़शार एवं चाषी धान किणाबिका कथ कौ टकन व्यवस्था कथ कौ सबकि चाषीटे हैरान हरकत होती प्रशासन करुच्छी कौन निश्चित भाव देखो कटक सदर अंचल 10टी समवाय
ସମବାୟ ସମିତି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ତ ଆସିସାରିଛି ମୋବାଇଲକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନେ, ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା, କେତେବେଳେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେଇଟା ଗଜା ହୋଇଯାଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଟୁକନ୍ ମିଳୁଥିଲା, ଟୁକନ୍ ମିଳୁଥିଲେ ଡେଟ୍ ପଳାଉଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଉଠାଯାଉନଥିଲା ସେବେଠୁ ଧାନ, ଅନେକ କିଛି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡ ଛାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2-3 କିଲୋ ଧାନ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଉଥିଲେ, ଏବଂ ଜରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଜରି ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଯାଏ, ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କାରଣ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହଇରାଣ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଚାଷୀ ଯେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧଳାଚହର ଜବତ, 1 kg 52 gramର ଧଳାଚହର ଜବତ କଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ଟି। ପରିବା ବଜାରରେ ଧଳାଚହରକୁ ନେଇ ଡିଲ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଜବତ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କରିବା ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ଓପିଏଚ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତାପ ସାମଲ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସଭବନ ସମେତ ଏକକାଳୀନ 9 ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଥିବା ସୂଚନା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା ସଙ୍କଟରେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆଜି ଜଗନ ନବୀନଙ୍କ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ସଙ୍କେତ। କୋଟିଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲା ଗଜପତିର ମାଣିକପାଟଣାରେ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ, ସେପଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇ ନଜର ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମହାମଞ୍ଚ। ସୀମା ଭାଷା ଜମି ବିବାଦ ନେଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା। ଜାଇକୋଭ ଡିର ଆଉ 1 କୋଟି ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଭାରତ ସରକାର। ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀକୁ ଡୋଜ୍ ପିଛା 265 ଟଙ୍କା ଦେବ କେନ୍ଦ୍ର। 12 ବର୍ଷ ଓ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏହି ଟିକା। ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଡିଏନ୍ଏ ଭିତ୍ତିକ କରୋନା ଟିକା ଜାଇକୋଭ ଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ, ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଆରମ୍ଭ। ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା କନ୍ଧମାଳ, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ। ଦିନ 9 ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର ତଳେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହୁଛି ସମଗ୍ର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନାଁରେ ପ୍ରହସନ, କାର୍ଡ ନେଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ରୋଗୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଗର୍ଜନ ଜ୍ୱର ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ଷା ବିପାତ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଚେନ୍ନାଇର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଲେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଡିଜି। କମଳାକାନ୍ତ, ଇଏ ତ ଥିଲା ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ସହିତ ସତେଜ ସକାଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅତିଥି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜିର ଅତିଥି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ପେସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବା ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତା ସହିତ ଲେଖକ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଶା ରହିଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନାଇକେନପାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପେସାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଛୋଟବେଳୁ କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ନାଟକରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ ନାଟକ ନୁହେଁ, ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଲେଖକ, କବି ଓ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ, ଏବଂ ଆଜିର ଆମ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ସତେଜ ସକାଳକୁ, ଏବଂ ଅର୍ଗସର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଅବସରରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା, ତ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେମିତି ଯେ ଆପଣ ଯଦିଓ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ,
किंतु निशा आपणकर अभिनेता बा निर्देशक अथवा ता सहित लेखक ये निशा आपणकर केबेठु हैला मु परे जणे स्वास्थ्य विभाग रे कर्मचारी हिसाब रे मु परे काम आरंभ करिछि। प्रथम रुत मु छोटो बेळु हे अभिनय सहित जड़ित रहिछि। जेतेबेले मु गाँव रे थिली, आम गाँव होछि तेलीमुंडा, सोनपुर जिल्लार गोटे उपांत अंचल तेलीमुंडा, सेठे गाँव रे थिला बेळकु आमे कौन हुए गाँ को दंड पार्टी आसती सबूक से मनोरंजन गोटे मात्र माध्यम थिला दंड यात्रा बा लोकंकर जो लोककला सेटा ही मनोरंजन माध्यम थिला। तो से समय आम छोट छोट थिलु किंतु से दंड यात्रा देखला परे आमे कौन करू ना सेमाने गला परे आमे सब जितकी पिला थाउ ताकु नै ही आमे आम नाटक करिया आरंभ करू। किंतु सेठु आसला परे चतुर्थ श्रेणी जेतेबेले मु सोनपुर रे मझीपड़ा स्कूल रे पढ़िले সেই সময় হি মোর অভিনয়ের খড়ি ছুঁয়া হয়েছিল বলে মু কহিবি। কারণ সেই সময় বার্ষিকোৎসব যেটা হল দৈবাত মানে মু সেটি গলি এবং মতে মুখ্য চরিত্রের অভিনয় করিবার সুযোগ মিলা। তো সেইটি হি মোর অভিনয়ের খড়ি ছুঁয়া হয়েছিল। প্রদ্যুন্ন বাবু, আমি যদি দেখিবা আপন যেমন কি মাধুরী বি কৌতলে আপন অভিনয় বি করতে, নির্দেশনা বি দিয়ে, কবিতা বি লেখতে, লেখক বি মধ্যে, তো এত সব কথা প্রথম কথা কেমতি ম্যানেজ করতে, তা সহিত আপনার পছন্দর কোটা মানে যদি দেখিব আপনার এত কলার সম্পূর্ণ রয়েছেন ইয়া ভিতরে আপনার মানে সবুঠু মানে কোটা আপনার বেশি আত্মতৃপ্তি দিয়ে এত সব কথা ভিতরে মু কো জিনিস বি বাধ্যবাধকতার করে নি। কবিতা লেখে কিন্তু লেখিবি বলে কেবে লেখে নি। যেতবে মতো কবিতা মাড়ি বসে মু সেতবে হি লেখে ঠিক সেমিতি। কিন্তু সবুঠার বেশি মোর ইন্টারেস্ট রয়েছে বা আগ্রহ রয়েছে নাটকরে। ছোটবেলু অভিনয় করেছি এবং যেতবে মু দশম শ্রেণীতে পড়ুলি সে সময় প্রথম করে মু নির্দেশনা দেলি আমার স্কুলের জন শিক্ষক লে ইন্দ্রা মিশ্র এবং তাঁকর গোটে নাটককে মু সেই সময় প্রথমে নির্দেশনা দিয়েছিল এবং তাপরে পরে মু নাটকরে জড়িত হয়ে রহিগলি পুরাপুরি ভাবরে। তো যদিও নাটক লেখে, প্রবন্ধ লেখে, কবিতা বি লেখে, তো তা বাদ মু নাটক সহ বেশি আত্মিক ভাবে জড়িত। কারণ মু ভাবে যে নাটকরে কবিতা বি অছি, কাহানি বি অছি এবং বাকি যেতিকে জিনিস সৃজনাত্মক জিনিস সেসব গুড়িক বি নাটকরে মতে মিলি যায়। কিন্তু প্রদীপ নহবু এইটি গোটে কথা কবে যে আপনার কথার মধ্য সেই লেখক বা সেই লেখনীর বাসনাটা মিলুছি বা সেই আভাসটা মিলুছি, তো আপনার লেখনীর আমি দুই পদ শুনিপারিব? আজ্ঞা, নিহাতে গোটে কবিতা আপনার শুনেবা চাহিবি। এ সময় কবিতার শীর্ষক হচ্ছে প্রথম প্রেম। কোটি থিল গো তুমে, কোটি থিল গো তুমে পৃথিবী জহ্ন কি আকাশ গঙ্গারে, সত মু কহুছি তোমাকে দেখিবা পরে দেখুছি জহ্ন প্রথম থর, সবু রাতে তার উপরে বিভোর হেলা পরে। কাহার প্রেয়সী গো তুমে, কাহার প্রেয়সী গো তুমে, সর্বাঙ্গ তুমর গীতিময় কাহার স্পর্শরে, সত মু কহুছি তোমাকে জানিবা পরে করুছি প্রেম প্রথম থর, বারম্বার প্রেমিকা বদলাইবা পরে, বারম্বার প্রেমিকা বদলাইবা পরে। মানে খুব সুন্দর লা। তো মাধুরী, কবিতা তো শুনলে তবে আপনার অভিনয় কথা আমি দেখুলে আপনার নিহতি গোটে রোমান্টিক কবিতা তো কহিলে, তো অভিনয় যেত করতে আপনার কোটা পছন্দ মানে চরিত্র অভিনয় কমেডি সিরিয়স? কারণ আমি দেখিছি সলা বুড়ার আপনার অভিনয় কথা তো নিহতি আসবে, তবে আপনার ব্যক্তিগত ভাবে কোণ কেউ চরিত্র প্রতি আপনার দুর্বলতা রয়েছে না কেবল আপনার চরিত্র অভিনয় হি ভাল লাগে? না সেমতি কিছু না, মতো যেত যে চরিত্রের অভিনয় করার সুযোগ মিলিছে মু তাকু চ্যালেঞ্জ হিসাবে নেইছি এবং সেই চরিত্রকে বুঝিবা পরে মু কেতে নিজে এক্সপ্রেসিভ হয়ে পারুছি, কেতে তাকু অভিনয় মাধ্যমে দেখে পারছি, সেইটা হি চেষ্টা করেছি। যেতবে যে জিনিস মিলিছে মু সেইটা করিবার চেষ্টা করেছি। তো মাধুরী, সলা বুড়া কথা কইবা, আদিম বিচার কথা কইবা, যেটা কি দুইটি মাইল খুঁটে আপনার কহিলে হবনি আপনার ক্যারিয়ার, তো সে সম্পর্কে কিছু আমার দর্শক মানুষ আপনার এক্সপিরিয়েন্স সেয়ার করতু। সেই যে যেত আপনার অভিনয় করুলে সেঠিকার মাহল কেমতি লা, সেঠিকার কিছু সেভাবে বিশেষ মুহূর্ত যা আপনার বর্তমান বি মনে রাখিছেন? সলা বুড়া, আদিম বিচার এবং সলা বুড়ার বদলা, এ সলা বুড়ার তিনটি যাক সিরিজ এবং তার শুটিং সময়ের প্রতিটি ঘটনা আমার একচুয়ালি স্মরণীয়, সে কেবে জীবনে ভুলি হব না। কারণ আমাকে কেবে বি সেটা শুটিং করুছু বলে আমি বিচার করি না, আমাকে লাগিছে আমি গোটে পিকনিক্রে অছু, মজা করছু, সে ভিতরে অভিনয় করে দেছু। এবং সবুঠ গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে আমার নির্দেশক যে
पूज्य डॉक्टर सब्यसाची महापात्र से जो एत चमत्कार निर्देशक जे आप नर्भसनेस कौन जापारे आपत कैमेरा को फेस कर माने अभिनेता जाणवा आगु अभिनेता टू से अभिनय टेक से काढ़ी नेबार कला पाखे अच्छी तेरे मोपाई स्मरणीय मुहूर्त थिला सलाबुढ़ा जिते मैंने चिंता भी करी मु सिनेमा रे अभिनय करी जो तो प्रबल इच्छा थिला जो कौ सिनेमा रे मते किए अफर कले मु अभिनय करती हठात एमती दशहरा दिन मत सभ्यदा गोटे कहले ना प्रद्युम्न मु नेक्स्ट सिनेमा करुच्ची और तुम्हें मो सिने गोटे चरित्र करुछ मोपाई से खुशी मुहूर्त थिला परे जेतेबेले सिनेमा आरंभ हबार समय हला मते सभ्यदा डकेले पाखापाखि 45 मिनिट मते सेठी बसाइले किंतु कहिले नि जे मोर चरित्र को एवं अनेक लोक सेठी थांते आमे पाखापाखि 3 राउंड चा पी देलु से समय भितरे तापर 45 मिनिट पाखापाखि सल्ला परे मते कहले ठीक अछि प्रद्युम्न तमे जाओ तापर संध्या रे मते फोन कले पाखापाखि 9टा रे मते कहले प्रद्युम्न फ्री अछ हां दादा फ्री अछि ना ताले सुनो तुम सलाबुढ़ यंग हीरोर चरित्रटा तुम करुच कह दादा मु पारि तो आई एम कन्फिडेंट अपन यू मुझ तुम उपर मोर विश्वास अच्छे तुम पार और तुम टे मेनोरीजिम देखनी तापर आम आगे बढ़ेगा मोपाई निहाती गोटे बड़ गिफ्ट था परवर्ती जो सिनेमा गुड़ाक भी सलाबुढ़ा पर आदिम विचार है कि सलाबुढ़ार बदला है से सिनेमा गुड़ाक भी गोटे प्रमुख चरित्र मान दादा मत सुजोग मुखे कृतज्ञ एवं बहुत खुशी जे एमती आंतरजातीय स्तर में ना करते सिनेमा गुड़ करे मो अभिनय करवार सुजोग पाई आ आपनकर एही चमत्कार अभिनय रे मध्ये आपण अनेक सम्मान रे सम्मानित होछंती तो प्रथमे कहि रखिबे जे अभिनय पे राष्ट्रीय कला सम्मान भागलपुर बिहार सहारा ट्रस्ट हाई स्कूल सुवर्णपुर द्वारा सम्मानित एवं ट्रेडिंग एकेडमी सुवर्णपुर द्वारा सम्मानित होछंती एते गुडिया सम्मान रे सम्मानित होछंती मुख्यतः जणे कलाकार पे गोटे सम्मान जितेले तांको सम्मानित करा जाय केते प्रोत्साहित जगाय सम्मान कौटू पाइबाटा कि पुरस्कार पाइबाटा से गोटे भिन्न कथा किंतु सब समय रे जी भी सम्मान पाऊ ताकू निहाती भाव खुशी लगे माने लोक तार काम को रेकग्निशन दौंती ताकू पसंद करुछंती ए जिनस गुड़ाक निहाती भाव रे गोटे कलाकार खुशी कथा एवं जेतेबेले मु बिहार रे राष्ट्रीय कला सम्मान रे सम्मानित थेली से समय मोपाई निहाती गोटे स्मरणीय मुहूर्त थिला कहीं सेठी से आगुरु योजना करते मत सम्मानित करने मत कही पहुँचला मत से सूचना दे विभिन्न अनुष्ठान सहित तो मुझ जड़ित अच्छी गुड़ाए अनुष्ठान निर्देशना भी दिए अभिनय भी करे एवं विभिन्न अनुष्ठान तरफ जो सम्मान मिली से सम्मान मत आहरी भल करने मोर मत दायित्व संपन्न होगापी आहरी भल करने प्रेरित करेरित कर तो कोटा कोटी आपन को प्रेरित करे छि किंतु प्रद्युम्न बाबू आपन कर सही अभिनय रे गोटे झलक हम देखि परिबु निहाते हबर एक्चुअली गोटे चरित्र को जिया पे ठीक समय लागि किंतु आपन जेतबेले कहिलेनी मु निहाते हबर गोटे डायलॉग कहिबी हमर गोटे नाटक मु लेखिथिबा नाटक निर्देशित नाटक होउछि कुइली जहा मते एक्चुअली अनेक जगह रे परिचित भी करैथिला से तार गोटे प्रमुख चरित्र तार गोटे डायलॉग मुझे कहूँ वाह तार घिड़े घिड़े नागिड़े घिना छम 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 अरे हिसले ने हरे पर्जा देखु चुकी नहीं कुली परे मुई पाई हरे भोकड़ो आम नंगल जाम नंगल कुसुम नंगल कोटी अरे खोईर गज के हिंस बनाली बाउंस गज के खूंटी परे वो यहा छिन मुई नंगल मुई कोटी मुई हिंस और मुई खुंटी परे बो चमत्कार थिला माने लागिले नि जे आपण वर्तमान आउ जने की आसी गले माने आपण को देर आउ जने की आसी पसी गले आपण एबले अभिनय कले खूब चमत्कार थिला आ बोध एटा ही अभिनय आ एटा ही आपण को एते प्रशंसा देछि तबे आगु को भी आलोचना करबा तबे परिवार संपर्क टी कथा हिजबा कारण आपण त निहाती भाव आपण परिवार सपोर्ट थिबो सेइतमे आपण एते आगु को जाई पारछंती कारण कलाकार जीवन रे समय अभाव रही थाए अन्य काम सहित अभिनय करबा प्रैक्टिस करबा ए सबु निहाती परिवार सब बिना सपोर्ट त ए सबु संभव नै त परिवार रे केमती कोन सपोर्ट करंती आपण जतले अभिनय करंती परिवार सब समय सपोर्ट पाई एक्चुअली मोर माँ सब चाहूला जो मुझे केमती गोटे बड़ पर्दार हिरो हेबी
ଏବଂ ସଲାବୁଢ଼ା ତାର ସେଇ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ସାର୍ଥକ କରିଛି ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ଛୋଟବେଳୁ ନାଟକ କରିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନହେଲେ କେହି କିଛି କେବେ କରିପାରନ୍ତିନି ଜୀବନରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ କରିପାରିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା, ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋର ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ବାପା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ NSDରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ NSD କ'ଣ? ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା। ବାପା କହିଲେ ନା ନା ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ଛାଡ଼, ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି କର। ସବୁ ସମସ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥାଏ ଯେ ନା ନାଟକଟା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କିଛି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରାଇ ପାରିବନି, ସେଠୁ କିଛି ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରିବନି। ମୁଁ ବାପାକୁ ବୁଝାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ନା NSDରେ ପଢ଼ିବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, ସେଠି ବହୁତ କମ୍ ସିଟ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନାଟକ କରିଛି, ମୋ ନାଟକ ପାଇଁ କିଛି ପୋଷାକର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ବାପା ସେଇଟା ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଖରିଦ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଟକ କରିଛି, ସିଏ ଖବର ପାଇକି ଆସିକି ଆଇଦର କେଉଁଠି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିକି ଦେଖୁଥିବେ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ନାଟକ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବଂ ସେ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋ ବାହାଘର ପରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବି ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ସେ ମୋ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନାଟକ କରେ, ଅଭିନୟ କରେ, ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେତେବେଳେ 2 ମାସ ହେଇଗଲା, ଯେ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ନାଟକ କରେ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ନାଟକ ମୋତେ ଦେଖେଇନ? ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ବି ଦେଖେଇଲି ପରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କଠିନ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ତ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ନାଟକ ଦେଖିନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିଲେ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ତ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାହାଘର ଆଗରୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଥିଲି, ସେ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିମିୟର ହେଲା ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା, ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିମିୟର ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିମିୟର ଶୋଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, 2 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏତେ ଗେପ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କାହିଁ କିଛି କରିନ, ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ହେଲେ ଭଲ, ଗୀତ ହେଲେ କର, କି ଯାଇକି ଆଉ କିଛି ସିନେମା ପାଇଁ କାହିଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ। ତ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ମୋତେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାର୍କ କଲି ଯେ ଆପଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛୁ, କିଛି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କବିତା ଲେଖନୀ ସେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆପଣ କେମିତି, ରାଗି ନା ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ନେଚର୍ରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି କାଠିକର ପାଠ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମୋତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଖୁବ୍ ରାଗି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ରାଗି ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ରାଗି ହେବାର ଅଭିନୟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆରେ ବାପରେ, ନା ନା ବେଳେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଗିବାର ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ନକଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିହେବନି। ପରିବାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପେସାରେ ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସାଟିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି? ନା ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍, ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ କୋଲକାତାରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ କାମ କରିବାର ମୋ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନାଇକେନପାଲିରେ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ଆମର ବେସିକ୍ କାମ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଏଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ବିହେଭିଅର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ, ବା କେମିତି କେଉଁ ହିସାବରେ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ସେମାନେ କମ୍ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ, ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ଆମର କାମ।
तो आम पाई भारी काठिकर हुए लोकंकर व्यवहार को बुझिबा एवं ताकु परिवर्तन करिबा, कारण हेल्थ बिहेवियर चेंज आनिबाटा एते सहज कथा नै। पाखापाखि सातटा स्टेप आम जो पाठरे कहउछन्ति सातटा स्टेप देके ताकु गला परे जाइकरि परिवर्तन हेबो, तेणु भारी काठिकर पाठ किंतु भारी रोमांचकर भी, कारण से जिनसटाकु एन्जॉय नकले जने काम करि पारिबोनि। ता बाहरे आमे गोटे रिसोर्स पर्सन हिसाब से काम करू एज ए ट्रेनर ब्लॉक लेवल रे, तो आम पई हेल्थ डिपार्टमेंट विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न योजना विषय जानिबा एवं ताहाकु केमिति आमर फील्ड स्टाफ फील्ड फंक्शनरी माध्यम रे लोकों पाख को पहुँचाइबा सही काम आमर मुख्यतः। आम ब्लॉक लेवल प्लानिंग करूँ ताकु केमिति फील्ड लेवल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हे सहीटा मॉनिटरिंग भी करूँ। किंतु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ मुझे निहाती भाव में आपको कहवाक चाहिए जे मु शिक्षा विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञ हिसाब से काम करवा आगर जितेबले नाटक करूली नाटक साहित्य यह सब जिनस मु मोर यही कम लगे कि नहीं मोर गोटे भारी द्वंद्व थी, किंतु खुशी कथा जे यही भितर भी से कम जथेष गुरुत्व रही है और से ही एक्सपीरियंसटा मोर एटी मत बहुत साहय कै जो मत सहज हो जाए स्वास्थ्य शिक्षा विशेषज्ञ हिसाब से कम्युनिटी काम करवा बेलू। प्रद्युम्न बाबू आप नाटक कथा कहते जब देखा आम आगु बहुत दूरदर्शन कथा कहतु बा ऑल इंडिया रेडियो रे आम नाटक शुणे जे नाटक शुणी तार मजा से निहत भाव जानी किंतु वर्तमान से संख्या कमीगला खास करके आम देखापे पाने जो आगामी पीढ़ी रही बोध हुए से नाटक एत इंटराक्ट हो सहित तो किमती केमती देखुं कारण जी देखी से जानते नाटक प्रकृत मजा कौन एवं केिंपल के अल्प समय भितर बहुत किसी कथा कह अभिनय निहाती तार सबुठू बड़ जदि कह तार अभिनय ही सबुठू तार कहीपर यूएसपी कहीपर तो आप नाटक को वर्तमान स्थित केमती देखुं ओडिशा रे। आज्ञा नाटक कमी ना नाटक हो किंतु दुर्भाग्यर कथा हूँ जो आम दर्शकों को भल नाटक से संख्यार दे पार जोद्वारा कि लोक माने मंच रु दूरे जाऊँगी सहित कौन होमर गोटे कंपिटिशन बढ़ीगला बर्तमान इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया तो जी चाहिला से गोटे मोबाइल धरिकी भी किसी गोटे भिड करके अपलोड करदे यूट्यूब लोक से देखिले तो से मनोरंजन रो माध्यम हिसाब से लोक आउ धीरे धीरे ग्रहणता कमी जाऊँगी नाटक प्रति, किंतु नाटक भी माने आदर रही लोक को आम जब भल नाटक देवा निहाती भाव लोक आसवे किंतु जे कथा पण कहतले जे भलो नाटक होई पर नै प्रकृति रे काहे कि भलो नाटक होई पर नै केउठे लाकुना रही जाउची ताकु जदि आमे सटीक समाधान करबा तबे जे से लोके नाटक प्रति पुणि थरे आदृत होई परिबे पुणि थरे लोकंको आकृष्ट करबो नाटक कोउठे लाकुना रही जाउची। देखो गोटे समय रे नाटक को लेके अनेक गुड़िया परीक्षा निरीक्षा चलला जद्वारा कि टिके दर्शक से समय रे नाटक रु टिके दूरे गले, किंतु एबे माने भल नाटक जदिओ होउछि से परिमाण रे होउना है जोटा कि दर्शकों को नाटक संख्या बहुत अधिक अच्छी बर्तमान नाटक होउना नुह नाटक होउछि अनेक जगार विभिन्न जगार इवन गाँ गुड़ाक भी नाटक प्रतियोगिता सब होउछि नाटक महोत्सव सब होउछि तेना नाटक होउछि, किंतु से नाटक भितर जी नाटक जो जो तार आर्य रहा कथा नाटक माने नाटक धनी तो अभिनय जी बलिष्ठ हवा कथा जमी संगीत बलिष्ठ हवा कथा जमी नाटक कहानीटा बलिष्ठ हवा कथा नाटक कहानी गतिशीलता सठिक रहा कथा द्वंद्वटा ठीक भाव में रहा कथा लोक जोटा कि प्रभोग कर किसी चिंता करने नाटक आगे कौन हो तो एवं ता सहित आलोक संपात ए सब जिनस को सठिक भाव में नक नाटक भल हो पारना एवं दुखर कथा हो भल नाटक टे ओडिशार विभिन्न जिला सदर महकुमा गुड़िकर भी भल ऑडिटोरियम टे ना एवं आलोकर आलोकर सहित नाटक रिहर्सल करवा तो यहाँ आमपाई गोटे स्वप्नर कथा आम नाटक रिहर्सल करूँ एवं जस्ट स्टेज रिहर्सल कला बेलू आम आर्टिस्ट मैंने सब गोटे रिहर्सल पाइबापी सुजोग पाती आलोक सहित एवं तापर से फाइनाल नाटक करेंगे तो भल नाटक करने जी डेडिकेसन आमर आर्टिस्ट मान को रहिबा कथा सेतिकी जदि सरकार टिके प्रोत्साहन दियंते तो आहुरी भलो नाटक हेई पारंता। बिल्कुल नाटक प्रति कोटना कोठी लोकंकर दुर्बलता आज भी अच्छी जदि ए सबुर समाधान हो पारंता तबे लोके आहुरी आदृत हो पारंते, किंतु जेहेतु समय तो सरिया सोची जिबा किंतु ता पूर्वरु आपनकर आउ गोटिए अभिनय तड़का आउ गोटे देखिबे जेहेतु आपन दमदार अभिनय करी दर्शकों को देखाइथिले तो आउ गोटिए आपनकर अभिनयटा आमे देखिया को चाहे गोटे
अभिनय करूनी मुझे गोटे मोर नाटक शिल्पी बोली गोटे नाटक अच्छे मानते मत जो बहुत खूब आत्मसंतोष देता से ही नाटक गोटे कविता थिला मोर जे कवि बंधु कवि नरेन्द्र भोई जे राज्य पुरस्कार पाई और केन्द्र साहित्य एकेडमी पुरस्कृत होती कविता संकलन से गोटे कविता सेठी से कविता मु हिंदी में अनुवाद करी टोटाल नाटकटा को तार दी पंक्ति ये मुहती भाव में कह अपने आप को सृजने संवारने से और भी तकलीफ दे है अपना किसी को जीवन न्यास देने अपने आप को सृजने संवारने से और भी तकलीफ दे है अपना किसी को जीवन न्यास देने में हर घड़ी हर पल खुद को भूल जाना होता है वो जिसे बसाया है मन में कल्प लोक की उस अतंत्र इलाके में जिसे सुंदर सा सृजने का सपना देखा है किसी एक मधुर मुहूर्त में चौंका कर हमें खड़ा होगा वो हमारे ही सामने किसी रूप में अकबका कर मुंह खुला छोड़ उसे देखते रहेंगे हम एक पल उसी के प्रसव काल में अपनी तमाम उलझनों को त्याग कर अपनी तमाम उलझनों को त्याग कर जब हम डूब जाएंगे अपनी सृष्टि में कभी शब्दों से कभी रंगों में कभी छैनी की धार पर तब कभी घुंघरू की छमछमाहट में तो कभी संगीत के सात सुरों में तब जाकर देखना तुम सचमुच ही जीवन जुड़ गया है निर्जीव के पिंड में थैंक यू खूब सुंदर ओडिया भी हिंदी भी सब मैंने आम पाखे आज शब्द ना गोटे सुमधुर रही देखिली जो ज्ञान जो भंडार रही अभिनय मध्यम आसमें कविता भी से भाई कहते तो प्रद्युन बाबू आउ गोटे कथा मुझे कहना चाहिए जे आपंकर अभिनय जो आम देखु बर्तमान भी जो मैंने आपण को देखु थे से निहाती भाव में मुग्ध होते किसी दुईमत ना तेज आपण को क्या अभिनय भल लगे जब देखा पुराणा कथा कहतु बर्तमान कथा कहतु कमी कौ सब कलाकार रही जहाँ अभिनय आपण को प्रभावित कर आप पसंद करती छोट बेले देखु आप मोर गोटे सौभाग्य कह भी जे मु बहुत भल भल निर्देशकों सहित तो काम करटक ये देखूँ सोनपुर मु नाट्यश्री गदाधर बारिक मोर गुरु सी मुझे नाट शिखा आरंभ करूँ अभिनय बहुत भल भाव शिखी एवं आहरी खुशीर कथा जे पद्मश्री डॉक्टर साधु मेहर निर्देशन में नाटक करार सुजोग पाई सहित घनिष्ठ भाव में मिशी भी एपटे सब्यसाची महापात्र दाया सहित भी घनिष्ठ भाव में मिशी गुड़ाए जिनस शिखी एवं अभिनय मत गुड़ाए अभिनेता अभिनय भल लगे समस्त मत माने एमती नाई जे गोटे अभिनेता ही मत सब समय भल लगे सेमती ना अनेक समय खूब कम ख्याति अर्जन करथिबा अभिनेता भी गोटे गोटे पीस मत खूब भल लगे जोटा मोर मन रही जाए किंतु सेमती देखा गले मत नसरुद्दीन शाह नाना पाटेकर परेश रावल एमाने माने मते मते सब समय प्रभावित करिसेंते एवं तांकटो जो फ्लो जो माने स्पॉन्टेनियसली जो फ्लो बाहर अभिनय सेटा मते खूब प्रभावित करे अज्ञा तो प्रदीप नाबू शेष को ये कहबी जे आपण सहित जी समय भी इंटराक्ट आम कलु खूब सुंदर लगेगा बाय पर्सनाली आप बहुत ही मत लगुच समय कथु बहुत ही सुंदर लगे आप सहित कथा कि शेष कौन कहे जो मैंने युवपीढ़ी आसवाक चाहते इंडस्ट्री को आसवाक चाहते से कौन मेसेज रहा आज आम आलोचन सामिल है कौन कहे युवपीढ़ी जो मैंने अभिनय क्षेत्र को आसपा चाहते मुझे गोटे कथा कह चाहिए जे सीधा सीधा डेईं पड़ोनी कैमेरा आग को अनेक एमती लोक अच्छा जो मैंने सीधा कैमेरा काम कर सफल होती किंतु अभिनयर एंतुशाड़ हूँ मंच मंच में आप केवल गोटे चरित्र नुह बर आपण सहित कम कर सबू चरित्र अभिनय को आप देखिक शिखबार सुजोग पाई तो मंच में जोड़ी होकर रुहतु तापर निहाती भाव जदि आप लगातार भाव काम करी चली छंती निहाती भाव सुजोग आसीबो आजिकाली तो सुजोगर अभाव नहीं कहीं मुझे कहली इलेक्ट्रोनिक्स जुग अनेक गुड़े छोट छोट प्रोडक्शन हाउस भी काम करते तो सुजोग मिलिबो निहाती भाव तो सुजोग पाई व्यस्त हुंतु नहीं मंच में अभिनय को माने अभिनय सहित मजी जातु निहाती भाव आप सुजोग आसीबो एवं आपण जो आज मते आमंत्रित करिसंती निहाती मो पाई गुड़े खुशीर मुहूर्त मो पाई गुड़े सम्मान मुहूर्त एवं सेति पाई मु अर्गस न्यूज पाखे कृतज्ञ रही धन्यवाद ज्ञापन करी मोर अंतर समस्त दर्शक मानक भी ए समय मोर शुभेच्छा एवं धन्यवाद ज्ञापन करी बहुत बहुत धन्यवाद जनपद आज आप
अतिथि भाव में सतेज सकाल अतिथि भाव आम सहित सामिल है प्रद्युम्न कुमार साहू आप बहुमूल्य समय दे आलोचना कले अनेक गुड़े अभिनय झलक देखाइले कविता सुनाइले से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय सरी सतेज सकाल को ये रखुचु विदाय दिंतु नमस्कार।